तो एक तरफ झारखंड सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बिचौलियों ने सभी योजनाओं को मटिया मेट करने का मन बना लिया है। ऐसा ही एक मामला गढ़वा से सामने आया है, जहां सड़क मरम्मति के लिए दी गई सरकारी राशि की चपत लगाई जा रही है। आप रिपोर्ट देखिए। झारखंड सरकार प्रदेश की जनता के लिए भले कितनी भी योजनाएं क्यों न बना ले, लेकिन बिचौलियों के चलते कभी भी जनता को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। ताजा मामला गढ़वा के नगर उंटारी प्रखंड का है, जहां बिसुनपुरा प्रखंड से जोड़ने के लिए जर्जर सड़क की मरम्मति का काम हो रहा है, लेकिन काम के लिए नियुक्त ठेकेदार जमकर सरकारी पैसों की चपत लगा रहे हैं। आलम यह है कि मरम्मत कार्य में जहां केमिकल का इस्तेमाल होना था, वहां पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकर हैरानी होगी कि सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपए मरम्मति के लिए दिए गए हैं, लेकिन काम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। काम हो रहा है, जो हो रहा है खाली पानी ना रही इसमें। अब बोलते हम बोलते हैं ना, कहता है तुम मालिक हो, मालिक मालिक हमको कौन करेंगे वो करेंगे। खाली पानी केमिकल का जगह पे। और रोड का निर्माण कैसा करा रहा है? रोड कैसा बन रहा है? रोड तो दोनों मार्ग बन रहा है। था पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मति के काम के लिए राज्य के एक ठेकेदार को टेंडर दिया गया था, लेकिन ठेकेदार ज्यादा मुनाफा करने के लिए मरम्मति कार्य में जमकर घोटाले कर रहे हैं। जब न्यूज स्टेट की टीम सड़क का जायजा लेने मौके पर पहुंची, तो संवेदक के कर्मी काम छोड़कर फरार हो गए। मरम्मति का काम किस ढंग से किया जा रहा है, इसका अंदाजा सड़क की हालत को ही देखकर लगाया जा सकता है। जहां लगभग 20 किलोमीटर तक सड़क जर्जर हालत में नजर आ रही है, स्थानीय लोगों ने जब इसका विरोध किया तो ठेकेदारों ने उन्हें धमकी देकर शांत कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि खुद काम करने वाले कर्मचारी ने ये माना है कि मरम्मत के काम में गड़बड़ी की जा रही है। केमिकल वाला गाड़ी अभी क्यों भाग गया सर? पता ना, वो सब बोले कि अभी काम बंद रखो, माल आएगा इसके बाद चालू करना। माल तो खराब हो रहा है उधर पीछे। हम पीछे तो नहीं गए। क्या मिला है? पानी मिला है। जैसा हमको बोलेंगे वैसा ही ना करेंगे। कौन बोला है? कौन बोलता है? यहाँ के साहब लोग बोलते हैं। अच्छा, पानी मिला के डालते हैं। पानी कितना डालते हैं? आधा डालते हैं उसमें। आधा पानी आधा चीनी। सड़क बनाने से पहले कई तरह के प्रोसेस अपनाए जाते हैं, जिससे सड़क सालों साल चले, लेकिन यहाँ सभी नियमों और प्रक्रियाओं को ताक पर रखकर संवेदक मनमाने ढंग से काम करवा रहे हैं। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों के विरोध के बाद भी काम को रोका नहीं गया है। अभी हम जिस सड़क पर खड़े हैं, यह बिसुनपुरा और नगर उटारी अनुमंडल है, इसे जोड़ती है। यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है, यह सड़क जो है यह बिसुनपुरा मझियाव और कहा जाए तो कांडी गढ़वा यह सभी को जोड़ती है, लेकिन यह सड़क बहुत सालों पहले बनी थी और यह जर्जर स्थिति में हुई थी। फिर से सरकार ने इसकी निविदा निकाली और इसको बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन कार्य ऐसा हो रहा है कि लोग भी अचंभित है, क्योंकि यहाँ जो केमिकल है उसमें पानी मिलाया जा रहा है। ये हम नहीं, खुद जो उनके कर्मचारी है वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के साहब है ठेकेदार है उनके द्वारा कहा गया है कि आधा पानी और आधा केमिकल मिलाकर यह सड़क पर छिड़काव किया जाए। जब इस तरह का छिड़काव किया जाएगा तो यह सड़क कितना टिकेगी, यह देखने वाली बात होगी। गढ़वा से न्यूज स्टेट के लिए मैं धर्मेंद्र।